आज की वीडियो रहने वाली है हमारी द मोस्ट ट्रेंडी बैंगल्स हॉल फ्रॉम अमेज़न। मैंने अमेज़न से बहुत ही अमेजिंग और जो एकदम अभी ट्रेंडिंग बैंगल्स चल रहे हैं ना वो आप लोग के लिए पिकअप करे हैं, तो मेक श्योर करें आप वीडियो के एंड तक बने रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट परचेज ऑफ टूडेज हॉल, जो कि मोस्ट ट्रेंडी बैंगल सेट मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ। कुछ इस तरीके से सेट ऑफ टू है एंड गाइज ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी का मेरे को रिसीव हुआ है। ये मेरे को 999 का रिसीव हुआ है, बट देन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड आपके लुक को बहुत ही अच्छे से एनहांस करने वाला है। आपकी चूड़ी सेट को, चूड़ा सेट को बहुत ही एलिगेंस लुक ये प्रोवाइड करने वाला है। आप देख सकते हैं पूरा इसमें कुछ इस तरीके से हाथी बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा और रिच वाइब ये दे रहा है। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मतलब प्राइस के हिसाब से बिल्कुल मेरे को जस्टिफाई लग रहा है। क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, एंटी टार्निश है, आप इसको सारे ही अपने चूड़ियों के साथ चला सकते हो। मैं आपको दो तीन वेराइटी के मतलब मिक्स एंड मैच करके जो मैंने बैंगल्स स्टैक करके लुक क्रिएट करे हैं मैं वो आप लोग को दिखा दूंगी ताकि आप लोग को एक आइडिया हो पाए। बाकी इसकी क्वालिटी एंड ऑल मेरे को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी। अगर आपकी वेडिंग होने वाली है तो डेफिनेटली आप अपने वेडिंग ट्रोजो में इसको डेफिनेटली इंक्लूड करना। ये बैंगल सेट आपकी चूड़ियों की गेम को एकदम से एनहांस करने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा रिच सॉर्ट ऑफ लुक देने वाला है एंड सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही आउटफिट्स के साथ आपके जाने वाला है। तो डेफिनेटली अब बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आई है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंगल सेट, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से सेट ऑफ फोर बैंगल्स मंगाए हैं एंड ये ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं एंड एकदम से इसको देखते हुए ना मेरे को ऐसा लग रहा है मराठी लुक जैसा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही मैंने अच्छा इसको ग्रीन चूड़ियों के साथ स्टैक करके वेयर किया था, तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा था एकदम से। वो जो मराठी वाला लुक नहीं होता है मेरे को, मतलब वेयर करते ही इसको वो मराठी वाला वाइब आ रहा था, तो काफी अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छा पीस है, प्लस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में ये मिलने वाला है आपको एंड फोर मिल रहा है, तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से व्हाइट मोतियों का काम हुआ होगा एंड बीच में आपको ये स्क्वायर से ग्रीन नग वाली मोती मिल जाएगी एंड देन ये इस तरीके से रेड कलर का भी मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही आउटफिट के साथ जाने वाला है एंड इस तरीके के बैंगल्स तो आप डेली वेयर में भी यूज कर सकते हो। दो इस तरीके से यहाँ पर आप वेयर करके कुछ इस तरीके से, अगर आप मतलब डेली वेयर में बहुत सारी चूड़ी वेयर करना प्रेफर नहीं करते हो तो आप कुछ इस तरीके से दो बैंगल्स डाल के इस तरीके से डेली यूज के पर्पज से भी इसको वेयर कर सकते हो, तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा। बहुत ही ज्यादा पैसा वसूल प्रोडक्ट है, वेयर करने के बाद भी काफी क्यूट लग रहा है एंड मैंने ये लिया है इन द साइज 2.4 और आप अपने साइज के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो डेफिनेटली अब बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंगल सेट, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से पूरा सेट मंगाया है, ये ना बहुत ही प्यारे से सटल से गोल्डन कलर में मेरे को रिसीव हुआ है। मतलब एकदम वो चटैक वाला गोल्डन कलर नहीं है, कॉपर गोल्ड टाइप ऑफ इसका कलर है। कुछ इस तरीके से आपको स्टैक मिल जाएगा बैंगल्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है एंड वेयर करने के बाद काफी अच्छा लगने वाला है। अगर आपका मन नहीं करता है कि आप कलरफुल चूड़ीज वगैरह वेयर करो, काफी गर्लिश लुक में ही आ जाता है एंड वेयर करने के बाद भी काफी अच्छा लग रहा है एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा ये बैंगल्स का स्ट्रैक मिल जाएगा एंड काफी अच्छा सा रॉयल सा एलिगेंस सा लुक भी आपको देने वाला है। इस तरीके से प्रॉपर इसमें ब्लिंग है, शाइन है, वेयर करने के बाद भी काफी अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गर्लिश लुक में आ जाएगा ये, और अगर आपको कुछ इस तरीके से गोल्डन कलर का चाहिए तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग मेटल की ये इस तरीके से बैंगल का पूरा सेट उन्होंने बना रखा है, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। कुछ इस तरीके से यूनिक सा है, कुछ हटके है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक थम्स अप फ्रॉम माय साइड। सो गाइज नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंगल सेट, जो कि मेरे को कुछ इस तरीके से बॉक्स में रिसीव हो गया है एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सुखी, कुछ इस तरीके से है एंड ये वाला ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगा मेरे को। कुछ इस तरीके से काफी लाइट वेट है एंड ये इस तरीके से प्रॉपर गोल्ड कलर में आपको मिलने वाला है। डेली वेयर के पर्पज से बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड काफी लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट सा भी है, तो आपको संभाल के वेयर करना पड़ेगा इसको। बट इसकी क्वालिटी, इसकी डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है एंड डेली वेयर के हिसाब से ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है एंड इसका गोल्डन कलर भी इतना प्यारा वाला गोल्डन कलर है ना,
कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। एंड बीच में जो इसमें ये जाल का वर्क दे रखा है एंड राइनस्टोन का वर्क दे रखा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे को तो काफी पसंद आया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा वर्क दिया हुआ है। डेली वेयर के पर्पज से बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, आप चूड़ियों के साथ स्टैक करके मिक्स एंड मैच करके अच्छे से इसको स्टाइल करोगे तो काफी अच्छा लुक ये आपको देने वाला है, कुछ इस तरीके से है। क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है, बस थोड़ा सा डेलिकेट है, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा जान लगाऊंगी ना तो ये बिल्कुल पिचक के अपने शेप से हट जाएगा, तो मतलब इसको आपको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना पड़ेगा। डेली वेयर के लिए मेरे को अच्छा लगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंगल सेट, जो कि मेरे को कुछ इस तरीके से बॉक्स में रिसीव हुआ है, एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड यूबेला, कुछ इस तरीके का है। एंड ये ना बिल्कुल वो जो रजवाड़ी जो भी बोलते हैं वो वाले बैंगल्स टाइप का है, मतलब एक एक आप डालोगे हैंड में एंड यू आर गुड टू गो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें वो जो वो नहीं होता है नट वाला बैंगल, वो है ये। एंड इसमें भी मैंने अपना साइज मंगाया है 2.4, बट ये ना ऊपर से नहीं जा रहा है, ऐसे अटक रहा है, तो आपको यहाँ पर ये जो नट दिया है ना इसको मतलब खोल के वेयर करना पड़ेगा। इस वाले बैंगल की एक अच्छी बात होती है कि मतलब हैंड में जाके ना अच्छे से फिट हो जाता है, बाकी जो ऊपर से डालने वाले बैंगल रहते हैं ना वो हल्का सा लूज रहता है मेरे को मेरे हैंड में, बट ये परफेक्टली फिट हो रहा था। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, एंड इसका प्राइस भी काफी रिजनेबल है, बहुत ही अच्छा सा इसमें काम हो रखा है। एंड एक एक आप बैंगल डालोगे ना हाथ में यू आर गुड टू गो, काफी अच्छा है ये, कुछ इस तरीके से है। एंड अगर आपकी शादी होने वाली है तो डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करना, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। एंड आप चूड़ियों के साथ स्टैक करके डिफरेंट लुक्स क्रिएट करके भी इसको वेयर कर सकते हो, बट अगर आप सिंगल भी वेयर करना चाहते हो, मतलब अगर आपको ज्यादा चूड़ियां वगैरह पहनना नहीं पसंद है, तो आप ये सिंगल बैंगल्स भी डाल सकते हो, साड़ी के साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि काफी अच्छा सा रॉयल सा महारानी टाइप ऑफ इसका लुक है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरे को तो काफी पसंद आया। एंड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंगल सेट, कड़ा सेट, जो कि मेरे को कुछ इस तरीके से पैकेट वाले रिसीव हुआ था, मतलब एक ही बॉक्स में ना ये बहुत सारे जो मैं आपको पैकेट वाले दिखा रही हूँ तो एक ही बॉक्स में मेरे को रिसीव हुए थे ये सारे। एंड ये वाला भी ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से एडी ज्वेलरी टाइप ऑफ लुक दे रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे, बिल्कुल वो जो डायमंड वाले कड़े नहीं होते हैं उसका ये लुक दे रहा है प्रॉपर कुछ इस तरीके से। एंड अंदर से इस तरीके से आपको गोल्ड की डिटेलिंग मिल जाएगी, लाइट से हल्के से गोल्ड की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रहा है। आप इसको सिंगल भी वेयर कर सकते हो, सिंगल भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने वाला है, एंड चूड़ियों के साथ स्टैक करके भी आप वेयर कर सकते हो, जो सिल्वर चूड़ियां आती है ना उनके साथ स्टैक करके वेयर करना बहुत ही ज्यादा सुंदर सा लुक देगा। मेरे को तो ये काफी पसंद आया, एंड काफी अलग भी है, काफी यूनिक भी है, प्लस गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये रहने वाला है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। गाइस मूविंग ऑन टू द लास्ट कड़ा सेट ऑफ टुडेज हॉल, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से मंगाया है, एंड ये वाला भी ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो जो हाथी वाला नहीं इससे पहले मैंने दिखाया था उसी टाइप का है, इसमें कुछ इस तरीके से स्टोन का वर्क हो रखा है एंड बहुत ही सुंदर सा काम दे रखा है, बिल्कुल स्टेटमेंट पीस ये लगने वाला है, मतलब आप चूड़ियों के बीच में एक एक कड़ा स्टैक करना तो अलग से आपका लुक एकदम से खिल के आने वाला है। मैं यहाँ पर लुक वगैरह आपको, मतलब कि जो मैंने चूड़ियों के साथ स्टैक करके लुक वगैरह क्रिएट किया है वो मैं इंसर्ट कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़े कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो कुछ इस तरीके से है, एंड बहुत ही सुंदर सा काम हो रखा है इसमें, नक का काम हो रखा है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, एंड साइज भी एकदम परफेक्ट है, ये मेरा 2.4 साइज है जैसे कि मैंने बताया आपको, एंड बहुत ही अच्छा सा नक का काम हो रखा है। एंड अगर आपको सिंगल भी सूट के साथ वेयर करना है, एक एक हैंड में सिंगल आप वेयर कर सकते हो सूट वगैरह के साथ, कुछ इस तरीके से लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। एंड मैंने जैसे बताया आप चूड़ियों के साथ स्टैक करके वेयर करोगे तो काफी अच्छा सा लुक देने वाला है, एकदम आपके चूड़ियों को गेम को एनहांस करने वाला है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट कड़ा पीसेज में डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपर्पज होते हैं, सारे ही चूड़ियों के साथ आपके जाने वाले हैं, एकदम से लुक को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देते हैं, रिच सॉर्ट ऑफ लुक देता है, तो डेफिनेटली अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर लेना। सो गाइज आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, आई होप कि आज की वीडियो मेरी आप लोग के लिए हेल्पफुल रही और आप लोग को पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।